हाय एवरीवन। तो बहुत दिन के बाद मैं भी लाइव आ रहा हूँ, लाइक इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, बट आज मुझको कुछ चीज़ें इन्फॉर्म करनी थी और अपडेट करनी थी लोगों को, तो इसके लिए मैं आया हूँ। हाय पीबीओ, हाय जुनेद, हाय चैतन्य, हाय राहुल। तो थोड़े कुछ लोग आ जाए उसके बाद हम बात करेंगे। और मैं आज ना थोड़ा वीडियो कॉल भी लूँगा, लाइक कोई मेरे को ज्वाइन करना चाहता है वीडियो कॉल पे। तो और मैं अभी ट्राई करूँगा कि मैं इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ। लगन जाला माय मित्र, हाय हर्ष जी, हाय आई एम इंडियन। हर्ष भाई कैसे हो, कब आ रहा है आपका नया एल्बम? तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले, तो आप समझ सकते हो लाइक सबको रिप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट थैंक यू सो मच। हर्ष भाई कैसे हो, मैं आई एम गुड, थैंक यू अक्षाना। तो फाइनली अक्षाना, आई एम एट योर सिटी बेलारूस, योर कंट्री, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हेयर। तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे मैसेजेस थे, फेसबुक पे थे और फिर इंस्टाग्राम पे थे, बहुत सारे मैसेज पेंडिंग, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच आपके लव एंड विशेस के लिए। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक आपने जैसे देखा है अभी ये रिंग भी देख सकते हो, लाइक तो हमारा लीजा और मेरी वेडिंग हो चुकी है ऑफिशियली। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि पहले कोर्ट मैरिज होता है जो रजिस्टर होती है, तो यहाँ पे हमने अभी ना कोर्ट मैरिज की जो यहाँ पे रजिस्टर होती है, यहाँ पे बोला जाता है साक्ष, तो वहाँ पे हमने ऑफिशियली मैरिड, लाइक वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। और फिर हमने शाम को हमारे घर में डिनर था, तो लीजा की फैमिली थी और हमारे साथ प्रियांशु भाई थे। तो अभी हमारी जो शादी होती है, जब जैसे इंडिया में कोर्ट मैरिज होती है, उसके बाद में सेरेमनी होती है जिसमें आपकी पूरी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो यहाँ पे हमारी वेडिंग सेरेमनी है 17 अप्रैल को, और उससे पहले 15 अप्रैल को है बैचलर्स पार्टी, फिर 17 अप्रैल को है शादी। तो मैंने बहुत लोगों को इन्विटेशन तो भेज दिया है जो मेरे को लगता है कि आप आएंगे। और ये यहाँ पे जो बेलारूस रशिया में शादी होती है तो इतनी बड़ी नहीं होती, लाइक इतने लोग नहीं आते ऐसा हमारे इंडिया में, 300, 400, 200, और कोरोना का टाइम भी है, तो हमारी शादी में लगभग 50 लोग हैं यहाँ पे, तो जो मेरे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, और जो यहाँ पे बहुत समय से रहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जब मैं आया था उन्होंने मेरे को गाइड की। और प्रियांशु भाई तो रहेंगे क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आया था तभी उन्होंने इन्वाइट किया था। और बहुत 50 लोग के लगभग है, तो बैचलर्स पार्टी 15 अप्रैल को है, वेडिंग सेरेमनी है 17 अप्रैल को, जो इनके रीति रिवाज से होती है। तो मैं ये अपडेट करना चाहता हूँ आपको, नहीं तो आपको लगता रहेगा कि मतलब हमारी शादी हो गई है तो कुछ तो नहीं, हमारी शादी मतलब होता है ना ग्रूम ब्राइड, क्योंकि शादी एक बार होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सबको मालूम पड़े। बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड विश गाइस। और मैं ये बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि मतलब मैं इंडिविजुअली किसी को लाइक इन्वाइट करना रहेगा, लाइक मैं मैसेज भेज के इन्वाइट, अगर कोई भी बेलारूस में है और या कोई आना चाहता है तो ऑलवेज वेलकम, और वॉन्ट्स टू ट्रैवल लाइक अटेंड माई वेडिंग, तो आप आ सकते हो। तो यही अपडेट था गाइस। और मुझे पता है कि मेरे वीडियोस भी यूट्यूब पे थोड़े डिले हो रही है, आप समझ सकते हो लाइक ये सब मैं बिजी हूँ, बट आज से चालू होंगे, आज शाम को एक वीडियो आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, लगातार अभी वीडियोस आते रहेंगे। तो 15 अप्रैल बैचलर्स पार्टी और 17 को है वेडिंग सेरेमनी। थैंक यू सो मच। तो मैं देखता हूँ कौन कौन है, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रियांशु जी फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच अक्षाना।
हाँ प्रियांशु जी भी है यहाँ पे ऑनलाइन, तो मैंने रिक्वेस्ट डाला है मेरे को। हेलो हेलो हाय, हेलो, कैसे हो आप? बस फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? आई मीन दिस दिस हाँ दिस सो अनइमेजिनेबल। मुझे लगा नहीं था मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे इतने सारे लोग लाइव हैं। नहीं, मैं एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं देख रहा हूँ लाइन से, और इट्स डिफिकल्ट आल्सो लाइक चूज करना। मैं मतलब आप रैंडमली चूज करते हो, तो वेलकम टू करेक्ट, आवर लाइव सेशन। श्योर। सो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपके एंगेजमेंट के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। इवन आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मेरा एक तकरीबन एक डजन कंट्रीज घूम के हो चुका है। मैंने आपके टर्की के ब्लॉग देखे थे एंड आई वाज रियली अमेज्ड विद द कंटेंट दैट वी हैड शेयर्ड। कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपने दिए थे वेयर वी कैन नॉट टेक केयर एंश्योर कि अपने साथ कोई फ्रॉड्स ना हो। सो आई मेट फ्यू गर्ल्स अलोंग द वे और आई वॉज ऑलवेज कॉशियस कि पता नहीं है इतना फ्रेंडली कैसे बिहेव कर रहे हैं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, ही अकंपनीड मी। सो वेरी कॉशियस ऑल टाइम, बट वी बीन लकी कि उन्होंने इतना अच्छे से हॉस्पिटैलिटी दिखाया, इतने अच्छे से सपोर्ट किया। उन्होंने हमें कुछ कुछ चीजें दिखाई, घुमाई, कुछ वेज। अभी हम दोनों प्योर वेजिटेरियन थे तो उनको हमने बोला ऐसा है। कुछ कुछ वो चिक ऑफ थे और कुछ कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स थे टर्की के, वेरी फेमस, तो उन्होंने वो खिलाया। सो आपके जितने भी वीडियोज है वी बीन लुकिंग एट दोज। रशिया का इस साल प्लान था, सैडली वो अब हो नहीं पाया ऐसे लग रहा है हमें, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी खराब है वहां पे। बट मैं या समझ सकता हूँ, बट आपके साथ स्कैम तो नहीं हुआ ना एट द एंड, लाइक टर्की में नहीं, तो? और वो एक्चुअली वो अभी भी कांटेक्ट में है। वो कहते हैं कि हम आना चाहते हैं इंडिया, उनको इंडिया के कुछ कुछ जैसे बोली हुआ यहाँ पे। सो सेलिब्रेशन इंडिया में जो उन्होंने सोचे भी नहीं होंगे कभी, राइट? फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो टर्की के कंपैरिजन में इंडिया के जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो ज्यादा रंगीन है, ज्यादा इन्वॉल्विंग है। तो उनको लगता है कि काश हम हिंदू होते या फिर हम इंडियंस होते रादर, कि हम आपके सेलिब्रेशन में शामिल हो पाते। सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन अस एंड दे यहाँ। वॉच मूवीज आल्सो, उनको मूवीज भी, इंडियन मूवीज भी बहुत पसंद है, सॉन्ग्स आई मीन वगैरह। वो इतने अब फैसिनेट हो चुके हैं, तो मैं उनके स्टोरीज देखता हूँ ना, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग आवर इंडियन सॉन्ग्स इन देयर स्टोरीज। तो कहीं ना कहीं हम जाते हैं, हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनसे थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करेंगे, वो डिग्निटी मेंटेन करेंगे ना, तो वो उनको बहुत फ्रेंडली लगता है वो। और फिर कहीं ना कहीं वो आने के लिए सोचते हैं उस बारे में। हमने इतने सारे दोस्त हैं वहाँ पे एक वियना की लेडी थी, सो उनका पर्सपेक्टिव पूरा अलग था कि मैं इंडिया आऊंगी तो वहां पे इतने गरीब लोग हैं, मैं पूरा कंगाली हो जाऊंगी, मुझे सबको पैसे बांटने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने उनको सारी चीजें समझाई। सो इवन शी इज गेटिंग फैसिनेटेड एंड गियरिंग अप टू कम टू इंडिया। सो आई टोटली एग्री विद। यस कैसा होता क्योंकि हम जब ना किसी को, मैं भी पिक्चर्स दिखाता हूँ ना, मुंबई, यू कैन कम टू मुंबई, तो वो स्लम्स के पिक्चर दिखाते जो रहते हैं ना, और इस स्लम डॉग मिलियनेयर पिक्चर की वजह से ना, तो थोड़ा तो मेरे को बुरा लगता है। स्लम डॉग मिलियनेयर को ऐसा दिखाया गया ना इंडिया को, तो ना उनको लगता है ना ऐसे ही रहेगा मुंबई भी, स्लम डॉग मिलियनेयर के जैसे ही रहेगा सब कुछ है, वो स्लम्स रहेंगे सब चीजें। तो मैंने बोला कि मुंबई में आपके ऊपर है, लाइक दे आर बिग 5 स्टार होटल्स, आप किसके ऊपर, आपके ऊपर बजट है, लाइक इफ यू वांट टू स्टे लाइक 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, आपके लोकेशन के ऊपर, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोग रुकते हैं लाइक पवई हिरानी में, सो इट्स लाइक ए गुड एरिया, तो वहां पे गार्डन्स है और वेरी क्लीन इंटरनेट। मैंने बोला कि उनको आप आके देखो, इट्स लाइक नॉट लेस देन फॉरेन कंट्रीज, कितने बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और इंडिया में उनको लगता है कि लाइक सेफ नहीं है, रात को कहीं जा ही नहीं सकते ऐसा। तो इसके लिए मैंने भी अभी लीजा के साथ भी ट्रैवल कर रहा था शादी से पहले, मैं भी उनको इंडिया दिखाया कि मतलब इंडिया हो एक्चुअली है कैसा, तो शी वॉज वेरी इंप्रेस, लाइक केरला, फिर उसके बाद इतना ग्रीन केरला है, फिर उसके बाद मनाली, फिर स्नो भी हमारे यहाँ पे, लोगों को लगता नहीं हमारे यहाँ पे स्नो नहीं, हम उनके यहाँ पे स्नो नहीं भाई, हमारे यहाँ पे भी स्नो है, लद्दाख सब साइड जाएंगे तो। और फिर हमने यहाँ पे दिखाया कि मुंबई, फिर हमने गोवा बीचेस, लाइक वी हैव सो मेनी डाइवर्सिटी, लाइक हर एक कल्चर, फिर लैंग्वेज चेंज होता है, फिर ड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, लाइक आप केरला में रहोगे, दिल्ली में आओगे, और फिर यूपी में जाओगे तो धोती कुर्ता, पंजाब जाओगे तो टर्बन हो गया, फिर बाद में हर एक चीज, हर स्टेट चेंज होते रहती है, तो उनको बहुत इंटरेस्ट भी रहता है कि हमको जानना है कि ये चीजें क्यों है। और मैं खुद बोलता कि लाइक मुझे भी हर स्टेट के बारे में इतना नहीं, मेरे को भी लोकल से पूछना पड़ेगा यहाँ पे क्या फेमस है, कैसे बनता है। करेक्ट। वो मतलब ट्रैवल इज जस्ट नॉट अबाउट, मैं
वही बोलता हूँ, मैं जनरली साथ में एक या दो मैक्स लेता हूँ दोस्तों, मैं ज्यादा लोग लेता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल नहीं रह पाता, इतने सारे लोग होंगे नो नो, किसी आई टोटली एग्री विद यू। ज्यादा इनबॉक्स लोगों में। के साथ कभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, दो से तीन, या क्योंकि ना जब ना आप ना 5-6 लोग रहेंगे ना, सबकी सबकी आइडियोलॉजी मैच नहीं होगी। कोई बोलेगा हाँ नहीं यार मेरे को यहाँ पे जाना है, कोई मेरे को यहाँ पे जाना है, और उसमें से 4 में से ना 3 कोई ड्रामा करेगा, बोलेगा कि ना मेरे बोर हो रहा है। और उसमें से कैसा, तो 4 फ्रेंड्स हो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले तो वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, दो जन ना थोड़ा सा ना अनसिक्योर फील करते, लाइक हम भी आए हैं ये वो चीजें। तो दो जन मेरे हिसाब से ना, दो या मैक्सिमम 3, दो फ्रेंड्स रहेंगे ना, दो फ्रेंड्स हमेशा समझ के लेते हैं, एक मैं हूँ और मेरा करेक्ट दोस्त है। मैं सुबह बोलूंगा यहाँ जाना है वहां जाना है, कहीं पे भी जाएंगे, खाना पीना कुछ भी, तो एडजस्ट करके लेंगे कि दोनों ही है, दोनों के बीच में कुछ भी बुराई हो, मैंने आपको कुछ बुरा बोला, मजाक उड़ाया, तो उसको पता है कि तुम ही हो। थर्ड पर्सन रहेगा ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उनके सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो, कोई अननोन देश में कैसा है, ऐसा चीज करेक्ट करेक्ट सारी फर्क पड़ता है। वो ट्रैवल का पूरा डेफिनेशन ही अभी चेंज हो गया है। पहले 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 जब नया था मैं ट्रैवल वर्ल्ड में, तो बस जाते थे वहां पे जो बेस्ट प्लेसेस है वो घूमते थे, फोटोज निकालते थे, वापस जाते थे। बट अब वैसा नहीं रहा है। वेर एवर वी गो वी ट्राई टू नेटवर्क विद पीपल, से बात करते हैं, इंडिया के बारे में उनको बताते, उनके ट्रेडिशन के बारे में सीखते हैं, क्योंकि वो भी कोई और कंट्री से आए हैं, नॉट नेसेसरीली कि वो लोकल्स है। तो उस नेटवर्किंग करते हैं हम लोग, अच्छी अच्छी चीजें हम अपने दोस्तों को दिखाते, कैसा कंट्री है। मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में कोई कभी नहीं गया वहां पे, सब इतने फैसिनेट हो चुके हैं। जो भी जाता था मोस्टली वो यूरोप एक्सप्लोर करता था, तो मैं इजिप्ट गया वो एक अलग जगह थी, मैं टर्की गया वो बहुत अलग जगह थी, तो इन लोगों को पता नहीं थी वो चीज, सो अपने दोस्तों को पता। सो इट्स वेरी नाइस, यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग। और साथ में अभी कैसे ऐप्स भी आ गए हैं ना, काउच सर्फिंग ऐप है जो यू कैन हाँ स्टे विद द लोकल, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। कैसे पहले दो, मगर ये चीजें भी है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कैसा होता है, मैं बताता अभी आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, इससे भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप अकेले हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो यू कैन स्टे इन काउच सर्फिंग होस्ट, यू आर मोर कंफर्टेबल, यू कनेक्ट विद द लोकल्स एंड एवरीथिंग। बट वेन यू ट्रैवल विद योर वाइफ गर्लफ्रेंड, सो यू नीड ए स्पेस, या लाइक तुमको दोनों ऐसे लोगों से नहीं मिलना है, फिर हमने तुम्हारी प्राइवेसी ये सब चीजें, देन यू गो फॉर टूरिस्टिक स्पॉट एंड देन यू गो फॉर द होटल्स, लाइक 3-स्टार होटल, टू लाइक कंफर्टेबल बजट वाइज एंड एवरीथिंग। बट सोलो रहते तो सोलो वी वॉन्ट टू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, शेयर थिंग्स। तो कपल्स में भी होता है, लाइक कपल हु आर ट्रैवलिंग, हु हैव दैट कि हाँ कुछ गलत भी हो सकता है, हमेशा सब चीजें अच्छी नहीं होगी। तो बट इट्स गुड दैट आई एम हैप्पी टू हियर दैट, कि मतलब थोड़ा कुछ अलग रहता है ना, सेम वे में नहीं ट्रैवल कर रहे खाली टूरिस्टिक स्पॉट पे। आई मीन शायद आपको ये बोलना नहीं चाहिए हुआ अभी, बट मैं और मेरा एक दोस्त है, हमने काफी यूरोप एक्सप्लोर किया है साथ में। तो अभी कल उनका फोन आया था, अभी उनकी मतलब उनकी शादी हो चुकी है, तो ही वॉज विलिंग टू गो टू पेरिस, नीदरलैंड में रहते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि श्रेयांश यार हम जब ट्रैवल करते थे मुश्किल से 10 यूरो 15 यूरो में अकोमोडेशन मिलता था, अब मेरी वाइफ है साथ में 15-15 हज़ार रुपये पर नाइट देना पड़ रहा है मुझे, इतना महंगा हो गया ये सब चीज, भी सोचा नहीं था ये सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। सो आई फेल लाइक वाओ, चलो मैं अभी भी सिंगल हूँ, मुझे ये सारी चीजों का टेंशन नहीं है, इतना सस्ते में हो जाता है, नहीं अपने पास फ्रीडम रहता है वो चीज जैसे प्लान करना है। बट डेफिनेटली अगर पार्टनर आता है तो हमें वो लग्जरी, वो पर्सनल स्पेस, वो सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, जो शायद आप अभी सोचोगे। नहीं आई टोटली एग्री विथ हिम कि मतलब सिंगल होना मतलब कैसा होता है, गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, कुछ भी है, बस में लटके हो, तो यू आर कंफर्टेबल कि मतलब कैसे कैसे चीजें। बट जब गर्लफ्रेंड है, वाइफ आ गई, तो आप नहीं चाहोगे वही बस में भीड़ भाड़ है, धक्का डुक्की लगे आपके वाइफ को, ये वो चीजें, थोड़ा कंफर्टेबल। भले आप सोचोगे मैं ना 10 कंट्री नहीं जाऊंगा, 2 कंट्री जाऊंगा, मगर थोड़ा आराम से जाता हूँ, अकेले कैसे भी जाके ट्रैवल कर लूंगा, रात को सेफ है कि नहीं, वो चीजें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। और यूरोप इज, सॉरी, यूरोप इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर द होटल्स ऑल्सो। हॉस्टल आपको मिल जाएगा 10-15 यूरो में, फ्रांस में होटल लेने जाओगे तो 100 यूरो, 150 यूरो। एम्स्टरडेम में तो हॉस्टल ही कुछ मेरे हिसाब से, तो तभी मैं देख रहा था 70-80 यूरो का मिलता था अगर लास्ट मोमेंट पे बुक करोगे तो। That's right, yeah. So अभी, so what's your plan if we can know? I think there are a lot of people who want to understand what's your upcoming plan. माय प्लान्स इज लाइक आई एम लाइक अभी तो ये शादी वगैरह चल रही है जो, तो अभी तो ऑफिशियली आई एम गेट मैरिड, लाइक यहाँ पे जाक्स प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम इंडिया में कोर्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, जो मान्यता होती है, तो यहाँ पे लाइक तो वो हमने पहले की,
क्योंकि लाइक मेरे को वीजा इनविटेशन भेजना है मेरी फैमिली को यहाँ पे इंडिया में. सो व्हेन यू हैव लाइक मैरिड तो वो शादी में अटेंड कर सकते हैं. तो अभी 15 अप्रैल को हमारी बैचलर्स पार्टी रहेगी बॉयज की वगैरह. फिर 17 को वेडिंग सेरेमनी रहेगी यहाँ पे. फिर उसके 10 दिन तक मैं यहाँ पे सब कुछ करके प्रोसेस वगैरह जो चीजें है फिर वहाँ पे से मैं इंडिया में जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक हमारे कल्चर के हिसाब से भी वेडिंग होना, फैमिली रिलेटिव्स आना वहाँ पे भी. यहाँ पे लीजा के यहाँ से हो जाए या फिर वहां से हो जाएगा. फिर उसके बाद में थोड़ा हम साथ में ट्रैवल करेंगे और फिर बाद में मैं थोड़ा सोलो भी ट्रैवल करूंगा लाइक बिफोर. अच्छा, नाइस, वाह। सो मेरा इस साल आयरलैंड का प्लान है, सितंबर में। सो कभी प्लान होता है, मैं वहाँ पे कुछ साल रहूँगा होपफुली। सो कभी भी इफ यू हैव एनी प्लान्स ऑफ आयरलैंड, यू कैन डेफिनेटली काउंट ऑन मी। आई लुक फॉरवर्ड टू श्योरली रिमेनिंग इन। आपके श्योरली यहाँ पे आई श्योरली. थिंक बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज सो मेनी पीपल, यू नो, सेंडिंग डीएम्स ऑल डे ऑल नाइट। तो डेफिनेटली रिमेम्बर, अगर आयरलैंड का प्लान होता है, काउंट ऑन मी, साथ में श्योरली चलेंगे। श्योरली श्योरली. आयरलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल. वो वन ऑफ द लाइक टॉप डेस्टिनेशन इन माय माइंड आल्सो, लाइक माय बुक लिस्ट आल्सो. फिंगर्स क्रॉस्ड। बट आप लंदन नहीं गए ना अभी तक? नहीं, मैं लंदन नहीं गया. मैं प्लान करो, क्योंकि कैसा हो गया व्हेन आई गॉट लाइक मेरा ये 1.5 साल से रिलेशनशिप चल रहा था. टू गिव टाइम व्हेन यू गेट लाइक एक चीज होती है ना कि मतलब लाइफ टाइम के लिए जब शादी का प्लान कर रहे तो उस पे फोकस था. तो अभी लाइक सब चीजें हो गई तो अभी हम मैं ज्यादा ट्रैवल करूंगा. लाइक मेरा मेन मेरे को जो सबसे ज्यादा टॉप कंट्री मेरे को अभी ये टाइम पे जाना है मेरे मन में है तो मेरे लिए जापान है. मैं जापान के लिए जापान बहुत इंटरेस्टेड हूँ. हाँ, तो मैं खाली खाली जापान जैसे ओपन होता है ना. अब साउथ ईस्ट एशिया तो आप मोस्टली देखोगे अभी ओपन ही हो गया. थाईलैंड ओपन हुआ है, मलेशिया ओपन हुआ है, बाली ओपन हो गया, वियतनाम ओपन हो गया है. वियतनाम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है इंडिया में. कोई देखता रहेगा जाना चाहता है तो 12,000 में अप एंड डाउन फ्लाइट है वहां से इंडिया दिल्ली यस। से अप एंड डाउन. और फिर हमने अभी खाली चाइना के लिए भी वेट, मैं चाइना भी जाना चाहूंगा. वेट करो उसका भी. थोड़ा यूरोप सा ओपन हो उसके लिए चुका है. हाँ, अभी तो भी वो वहां पे वेट नहीं। करो. तो वो तो है. सिचुएशन अब ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं जहाँ पे एक्साइटेड हूँ मेरे को जाना है तो वो है जापान. अभी नाइस। या आई मीन जापान कभी आया नहीं दिमाग में, बट या आई मीन आपके कैमरा के थ्रू इफ वी गेट टू सी ऑल दोज नाइस नाइस प्लेसेस, तो कहीं ना कहीं वो फैसिनेशन बिल्ट अप होता है। दैट्स हाउ ऑल दिस सोशल मीडिया वर्क्स, राइट? आपने कभी या भी नहीं होता है कि कोई कंट्री जरूरत हो सकता है और कोई आपके कैमरा से दिखा देते हैं, मतलब आपके कैमरे से हम लोग देख लेते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ यार जाना चाहिए अभी यहाँ पे। पहले हम कैसे ब्लॉग्स रीड करते थे. ब्लॉग्स रीड करना बहुत ही अच्छी बात है. जब आप कैमरा में वीडियोस देखते हो तो वो डिफरेंट फील रहता है. लाइक राइट नाउ कितने ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में जो ना एक ना अनएक्सप्लोर्ड कंट्री रहता है जहाँ लोग जाने के लिए डरते, लाइक सोमालिया, लेबनान, ये सब कंट्री में किसको इन्फॉर्मेशन नहीं रहते. हमारे कैसे इंडिया में जाना चाहते तो लोग कोई भी आप अभी भी किसी लड़की को या लड़के को पूछोगे स्कूल कॉलेज का, उनको पता होता है पेरिस जाऊंगी मैं, फ्रांस जाऊंगी मैं, स्विट्जरलैंड जाऊंगी. उनको ये कंट्री जो फेमस है वो पता है. मतलब ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो अब अफ्रीका भी बहुत कम लोग जाते थे पहले, बट अभी सब ट्रैवल ब्लॉगर्स ने जैसे जैसे अफ्रीका एक्सप्लोर किया तभी लोग बहुत इंटरेस्टेड है अफ्रीका एक्सप्लोर करने के लिए, सफारी देखने के लिए, वहाँ के लोग कितने फ्रेंडली हैं. कुछ चीजें हैं थोड़ी ध्यान देनी पड़ती है, सेफ्टी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अफ्रीका वगैरह भी कितना ब्यूटीफुल. तंजानिया जाओगे आप, जांजीबार जाओगे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. साउथ अफ्रीका भी बहुत ही ब्यूटीफुल है. करेक्ट। और आपने कैसे, यू हैव शेयर्ड ऑल योर स्मॉल स्मॉल एक्सपीरियंस कि कब कहाँ पे स्कैम हुआ है आपके साथ। जैसे टर्की में यू वर ऑन मे बी ऑन इस्तिकलाल स्ट्रीट और समवेयर, जहाँ पे आपने बोला कि पीपल ट्राई रीचिंग आउट टू, आपको बोलेंगे कि आप इंडिया से हो क्या, फिर आपको ड्रिंक्स पे लेके जाएंगे एंड वो बिल्स इतने बड़े बड़े आ जाते हैं। तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सेम हमारे साथ हुई, वेर पीपल ट्राई टू रीच आउट टू अस। वो इंडिया का भी थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे, हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट वी न्यू कि ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं लोगों के साथ, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है, राइट? बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें होगी कि आपके साथ इतना फ्रेंडली बिहेव होगा, अरे आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप रीच कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाएगी. बट ऐसा मतलब रहता है स्कैमर्स ऐसे होते हैं, उनको रोज का आइडिया रहता है ना ऐसा करना है. और हम नए नए कितना अच्छा है, कितना अच्छा इंसान है यार, इतना मदद कर रहा है मेरी, ये वो चीजें सोचते हैं, हम भरोसा कर लेते हैं. और जब गलत होता है तो फिर और बुरा लगता है. बट आई एम हैप्पी दैट यू आर ट्रैवलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ट्रैवल्स ब्रो. आपके लिए भी थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस कनेक्टिंग विद यू। इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, मुझे नहीं लगा था आउट ऑफ ऑल दोस 200-300 पीपल्स माय नेम विल बी सिलेक्टेड। सो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो फॉर कॉलिंग अस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सपोर्ट. श्योर तो मैं एंड अभी डू किसी और को भी ऐड कर लेता हूँ. यू हैपन टू कम टू आयरलैंड, काउंट ऑन मी। श्योरली आई विल ब्रो. थैंक यू.
थैंक्स हैव अ मिथिलेश, ग्रेट डे। बाय। सो अक्साना वॉज आस्किंग मी हाउ इज द सिचुएशन इन बेलारूस। तो गाइस मैं राइट नाउ बेलारूस में हूँ, बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में। तो आपने मेरी स्टोरी भी देखी होगी लाइक वेडिंग वाली। तो यहाँ पे टोटली सब सेफ है, यहाँ पे सब चीजें नॉर्मल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है लाइक वॉर का सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी गुड हियर। सो किसी को ट्रैवल करना है तो दे कैन प्लान इट। हाँ मुझे पता है कि लाइक लोग डरे क्योंकि अभी जो सिचुएशन है यूक्रेन का और रशिया का, तो रशिया ट्रैवल करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब कोई ट्रैवल नहीं। सो इफ यू हैव लाइक कुछ प्लान है रशिया ट्रैवल करना कहीं पे भी, सो यू कैन वेट 1 or 2 months, लाइक सी द सिचुएशन एवरीथिंग, देन यू कैन प्लान। प्रवीण भाई जोधपुर राजस्थान से राम 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 आपको भी, आपके पूरे परिवार को हमारे तरफ से। इंडिया में अप्रैल हेलो एंड तक आ जाऊंगा। हेलो, हाय हाय मिथिलेश ब्रदर, हाउ आर भाई, यू? गुड गुड, आप कैसे हो बताओ। मैं बस बढ़िया हूँ। आपकी थंबनेल भी अच्छे है, मैंने प्रोफाइल पीछे देखा आपका, ट्रैवल से रिलेटेड ही है। अरे अरुणाचल में है वो, अरुणाचल में। मैं अभी मनाली गया था ना, तभी मैं रिलेट कर सकता हूँ आपके हाँ फील से। हाँ मैं उनका उनका एज कितना है मालूम है, 115 साल। बाप रे, मुझसे आपने मैं सीक्रेट्स सुन अरुणाचल लिए में कि नहीं? अंजू यू टेकन सीक्रेट्स फ्रॉम क्या हिम और क्या नॉट, लाइक हाउ टू बी सेफ, हाउ टू बी फिट, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हाँ हेल्थ? हाँ मैं जब अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का ट्रैवल कर रहा था ना, मैं अभी इस टाइम मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। लास्ट 8 months से मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, घर नहीं गया। तो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया इंडिया में आपने अभी तक? लास्ट लास्ट 8 months से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया। इंडिया में मेरा 15 स्टेट्स कवर हुआ और 4 यूनियन टेरिटरी कवर हुआ इस टाइम ओ में। देस। तो 11 सितंबर मैं कोलकाता से निकला। एक्चुअली मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो वहां से निकला था। फिर वहां से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हिमाचल, हिमाचल से फिर लेह लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर। आप उस टाइम मनाली में थे, जब आप गोवा जिस टाइम में थे उस टाइम मैं भी गोवा में था। तो आपको मैंने काफी टाइम कोशिश किया, मैसेज किया, लेकिन आप बिजी थे। आपके पास तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इसके लिए। मैं सोचा आप ठीक है, आपको बहुत बार ट्राई किया आपके साथ मिलने के लिए जिस टाइम आप गोवा में थे। नहीं, कैसा हो गया मैं बताता हूँ तो आपको, फिर यू कैन कंटिन्यू, फिर मैं हाँ बताता हूँ उस चीज के ऊपर भी। आप बोलिए बोलिए, सॉरी टू हाँ फिर इंटरप्ट। उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर आया। जम्मू कश्मीर से राजस्थान आया। राजस्थान से फिर मैं अचानक से प्लान किया, फिर वहां से करतारपुर कॉरिडोर आया, फिर वहां से फिर से राजस्थान, राजस्थान से फिर अहमदाबाद, गुजरात एक्सप्लोर किया, गुजरात से दमानंद दीव, दादरा नगर, ये तीनों जगह एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद वहां से आ गया हम लोग गोवा में, गोवा से केरल। अभी इस वक्त लास्ट 2 month हो गया मैं केरला एक्सप्लोर कर रहा हूं मैं। आप बोल रहे थे मैसेजेस का कैसा हो गया कि क्या हो गया कि मैं बताता आपको, क्योंकि मैं और लीजा साथ में ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि मेरे को उनको इंडिया भी दिखाना था। तो हमने यहाँ से निकले, हम जब आप ट्रैवल के लिए जब स्टार्टिंग में प्लान करते हो, यू हैव अ वेरी गुड एनर्जी, लाइक बहुत दिन के बाद एक्सप्लोर करने जा रहे हो। तो हमारा कैसा हो गया, हम मालदीव गए, और मालदीव में आइलैंड्स हमने होपिंग की, फिर दुनिया भर के ट्रैवल थे वहां पे ये, और धूप का टाइम था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, सो यू गेट टायर्ड कि मतलब ना वहां पे कुछ, मेरा 7-8 दिन था। फिर इसके बाद मेरे को केरला आना पड़ा। केरला इज वेरी ब्यूटीफुल, हम बहुत एक्साइटेड है। केरला में आने के बाद कैसा हुआ कि बहुत ज्यादा ट्रैवल था, एयरपोर्ट से लैंड होने के बाद में हम वहाँ पे गए टेकड़ी, फिर बाद में बोट हाउस। तो हर 2 दिन के बाद आपको होटल चेंज करना पड़ता है। आप सोलो रहोगे ना तो ठीक, मेरा कैसा कि मैं एक एक हॉस्टल भी रहे, एक छोटा सा बेड भी रहे, बट एक ही जगह रहे, मेरे को बार बार एक एक दिन में मेरे को चेंज करने मत बोलो कि सुबह सुबह रहता ना पूरा बैग पैकिंग करो, फिर उठ के सुबह 10 बजे जाओ, फिर नया हॉस्टल ढूंढो, फिर तो वो चेंज करके हम फिर मुंबई आए, फिर फैमिली के साथ मिलना वगैरह, करेक्ट। फिर उसके बाद में नए डेस्टिनेशन, फिर उसके बाद में गोवा, गोवा में भी हम वहाँ पे होटल में रुके थे, फिर बाद में अपार्टमेंट। तो उस टाइम वी गॉट वेरी एग्जॉस्टेड कि मतलब ना हर 2-2 दिन 3-3 दिन में होटल चेंज करना ना। तो उसके बाद में मैंने ना टोटली रेस्ट लिया था गोवा में, कि मतलब ना बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, कि मतलब मैं बोला कि मतलब थोड़ा रेस्ट लेते, कि अभी और एडिटिंग भी चल रहा है, सब चीजें चल रही है। तो आई एम सो अपोलोजाइज फॉर डेट कि मतलब मैंने मैसेज मिस कर दिया आपको, टाइम पे मिल नहीं पाया, तो सॉरी फॉर डेट। मैं काफी कोशिश किया कि आपके साथ मिलने के लिए, काफी मतलब हद से ज्यादा तक, मतलब मैं सोचा एक बार मिलना है। फिर बाद में देखा मैं पीयूष, पीयूष का भी गोवा में कुछ स्टोरीज देखा था, फिर उसको उसने हाँ कुछ पीयूष हॉस्टल वॉलंटियरिंग ओपन कर फाइट रहे हैं करा उसका। था। हाँ हाँ हाँ
उसका मैंने देखा था, उसने फिर मेरे को बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा लगा। थैंक तो लास्ट आपका, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो कॉन्ग्रेट्स कि आपका न्यू यू मैरिड सो मच. लाइफ यार नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा लगा। और बस आपको तो बहुत दिन से ही देख रहा हूँ, काफी सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू, आपका वीडियोस के थ्रू मेरे को मिला। और इस वक्त तो मेरा अभी प्लान है कि इंडिया को ढंग से एक्सप्लोर कर लूँ, थोड़ा नॉलेज कर लूँ अच्छे से, और आप लोगों से, वरुण सर से, उसके बाद नवांकुर, और इधर नोमैडिक इंडियन दीपांशु भाई से सर, नोमैड बहुत शुभम, कुछ। ट्रैवलिंग देसी, साइकिल हाँ, बाबा. इन लोगों से काफी सारे चीज सीख रहा हूँ, और काफी सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के वीडियो के थ्रू मिल रहा है। मैंने आपका काफी सारे ब्लॉग्स देखा कि डे बाई डे आप लोग ना मोटिवेट करते हो, मतलब लगता है कि यार कभी कभी जब हम वीडियो डालते हैं कि व्यूज नहीं आता है, फिर आप लोगों को जब देखता हूँ कि यार ना ठीक है पेशेंस रखना चाहिए। मैं एक्चुअली बंगाली में कंटेंट बनाता हूँ, मेरा जो कंटेंट है पूरा टोटली बंगाली है, तो आप लोगों के से बहुत कुछ सीखा इस टाइम, मतलब जितना दिन हो गया ट्रैवल कर रहा हूँ, तो काफी सारे टाइम मैं कैंपिंग कर रहा हूँ और स्काउट सर्फिंग, और डायरेक्टली जहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ वहां पे जाके, तो इस वक्त मैं भी यहाँ पे सेम ही वैसे ही कर रहा हूँ। ये भी केरला में हूँ, केरला में ऑलमोस्ट 2 मंथ रनिंग है ये मेरा केरला कैसा में, लगा तो केरला अभी आपको? वर्कला में। अरे नेक्स्ट लेवल केरला, पूछो मत, नेक्स्ट लेवल है केरला। केरला बहुत ब्यूटीफुल आपको है. कैसा लगा मैं तो था? बहुत खुश था, लाइक क्योंकि आपको पता है, मैं बता, सच बताऊं, मैंने ना लीजा को ना इंडिया दिखाना था, तो मेरा एंट्री मैंने केरला से कराया, क्योंकि मेरे को लगा ही था कि लाइक केरला से लेके आऊँ. कैसा होता है कि पहले आप ना गर्दी वाले सिटी में आ गए, तो क्राउड है, वो सब चीजें, पहले हमारे उनको लोगों को लगता है ना हमारे में इतना ग्रीनरी नहीं है. तो इसके लिए रीजन था कि मेरा लास्ट एक दो ट्रिप था किसी फॉरेनर के साथ में, तो उनके दिमाग में ये था कि मतलब अरे बहुत क्राउड है, ट्रैफिक है. तो मैं बोला कि लीजा फर्स्ट टाइम आ रही थी, मेरे को ये नहीं चाहिए कि इंडिया के अंदर ये यहाँ से डायरेक्टली. तो लाइक इसके लिए मैं मालदीव से जाके एंट्री करके केरला में आया, तो शी वॉज लाइक शॉक कि कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, कितना ग्रीन है. और हाँ, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत, इट्स लाइक वन ऑफ आवर टॉप डेस्टिनेशन. मैं हमेशा अफ्रीका का. इसीलिए ना, मतलब जो ट्रैवल करते हैं ना केरला का, मतलब अब खत्म नहीं होगा, आपको मन नहीं भरेगा केरला से। मतलब केरला इसलिए मैं देख रहा हूँ यार, इतना अच्छे अच्छे और न्यू न्यू जगह को जब फाइंड कर रहा हूँ, ऑफबीट प्लेस। आपने वट्टा वड़ा ट्रैवल किया केरला में? नहीं, मैंने ना वहां पे ये, सॉरी मैं भूल गया नाम, वो लाइक कोल्ड प्लेस जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है, वो हाँ, वही तो मैं बोल मुनार, रहा हूँ, वायनाड, इवन हाँ मुनार, और फिर मुनार, उधर मुनार। तेकड़ी. अरे मुनार से वही है, मुनार से थोड़ा 42 किलोमीटर ऊपर है वट्टावड़ा। अरे अच्छा. अल्टीमेट जगह, आप जाते ना उस जगह में आपको मतलब लगेगा यार कहाँ आ गया यार, क्या ब्यूटीफुल है। ओके. मैं वट्टावड़ा में 15 डेज जंगल में स्पेंड किया, जंगल में अपना टेंट लगाया वट्टावड़ा में। इट्स रियली फील लाइक हेवन, लाइक मतलब मेरे को लगा यार ये कौन सा जगह, इतना हिडन हिडन जगह है केरला में, और ये तो वो नेक्स्ट लेवल है कभी किया यार। आपने, लाइक जनवरी फरवरी कौन से मंथ था? अच्छा, नहीं, अभी 15 दिन पहले, मैं वहां पे तो बीस क्लाइमेट दिन अच्छा पहले होगा, हाँ वहां पे 15, क्लाइमेट अच्छा होगा ना अभी? बहुत कूल है, कूल है, कूल है, नहीं तो अभी, क्योंकि अभी अभी बहुत जो कूल है। अप्रैल चालू होगा, मार्च अप्रैल तो गर्मी चालू हो जाएगी, बट यहाँ मुनार साइड तो गर्मी नहीं है, वहां चालू पे हो गया ठंडी रहेगी. ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट अभी तो वड़कला में आ गया, पिछले 4 दिन पहले तो वड़कला एलापी में भी घूमा मैं। यहाँ पे सी साइड के साइड में पूरा गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है। नहीं, आपने मैं कौन एग्री सा कौन सा करता जगह हूँ. कवर किया था केरला में? मैंने वही मुनार, टेकड़ी, फिर इसके बाद कोमरकलम, वो, और फिर उसने वहां बोट अच्छा हाउस, हाँ चार जगह अच्छा कवर की थी, अच्छा चार ना जगह. बोट हाउस का आपका स्टोरी देखा था फिर मैंने। कोची, हाँ कोची भी गया था, फिर कोची भी, मगर मैं एक ही दिन था. मैं केरला फिर से जाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं जाऊंगा अरे केरला भी. सच में हाँ यार, मैं भी आपको बोलूंगा, आप, मैं भी आपको बोलूंगा, आप आपका वाइफ के साथ केरला को अच्छे से ढंग से घूमो, आप नेक्स्ट लेवल लगेगा उनको भी। और मैं चंडीगढ़ भी गया, मेरे को चंडीगढ़ भी इसी बहुत अच्छा लगा, प्लान सिटी है, वेरी क्लीन, नाइस. मैं थोड़ा हाँ ही टाइम रुका वहां पे, मुझे वो भी घूमना है एक बार अच्छे से. हाँ, चंडीगढ़ मतलब मेरे को तो वही कनाडा जैसा फील हुआ यार। मैं गया नहीं कभी, लेकिन बहुत सारे वीडियोस देखा, चंडीगढ़ सिटी में जब एंट्री किया ना, तो मैं देखा यार ये तो नेक्स्ट लेवल जगह है। मैं दुबई में गया, ट्रैवल किया यूएई में, ट्रैवल किया तो यूएई काफी मतलब अच्छा लगा। मैं कोलकाता से मतलब यूएई में गया, कैसा लगा मैं बताऊँ? कोलकाता यूएई में मैं कैसा, दुबई इज वेरी गुड, बट आपको फील नहीं आता कि आप एक अलग कंट्री में रहते हैं ना, वेरी बिग, ब्राइट एंड मतलब एवरीथिंग. वो कैसा, आप फैमिली के इंडिया। साथ जाओगे तो अच्छा है वहां पे ना, ऐसा ना लाइक कल्चरल कनेक्ट नहीं होता कि मतलब किसी से मिले, अननोन से कोई आपको घुमा रहा है अपना ये वो. वहां पे सिटी है, बिग बिल्डिंग्स है, आप अपनी फैमिली के साथ आओ, घूमो फिरो, ये वो चीजें वैसे ही लगेगा नॉर्मली. हाँ हाँ,
बिजी लाइफ लेकिन मेरे को मतलब बिजी लाइफ लेकिन मेरे को अच्छा लगा थोड़ा नहीं जैसे मैं यू विल लाइक इट, उस दुबई बहुत ही अच्छी जगह है, आपको पसंद बहुत आएगा, बहुत अच्छे वो तो है कि मतलब आराम से घूमोगे वहां पे, बीच वगैरह सब चीजें, सब चीजें लाइक व्हाट यू वांट, शॉपिंग से लेकर हर चीज अच्छी लगेगी वो हाँ तो, हाँ लड़कियों लोग और लड़की लोग के लिए तो अब सबसे आ अच्छा हाँ वो जगह मस्त है है। यार, नेक्स्ट लेवल। फिर अभी आपका फिर आगे का प्लान क्या है, मतलब सब कुछ मैरिज सेरेमनी सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर? फिर मैं इंडिया आऊंगा, मैरिज सेरेमनी हो जाएगी, सब चीजें हो जाएगी, उसके बाद मैं फिर अपने थोड़े ट्रैवल साथ में होगी क्योंकि शादी के बाद थोड़ा तो ट्रैवल साथ में करना ही पड़ेगा नहीं तो, और उसके बाद मैं फिर मैं एग्जैक्टली सोलो ट्रैवल करने वाला हूँ, लाइक डीप नॉलेज, पहले जैसा था ना मेरा 7 countries का एक सीरीज था स्टार्टिंग में बैकपैक के साथ जो कोर नॉलेज था, फिर उसके बाद में मैं कैसा पार्टी में चले गया था, अब नाउ आई एम गेट मैरिड सो आई कांट डू लाइक द थिंग्स दैट आई हैव व्हेन आई वाज सिंगल लाइक गोइंग टू द पार्टीज क्लबिंग ये वो चीजें होगी, इंफॉर्मेशन होगी बट फ्लर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी नॉट देयर, आई वांट टू क्लियर एवरीवन लाइक थोड़ा थोड़ा चेंज चेंज हो जाएगा। बहुत चेंज होगा, हाँ लाइक फ्लर्ट नहीं होगा ये सब चीजें नहीं होगी बट हाँ इन्फॉर्मेशन बहुत होगा और कुछ डिफरेंस फील होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, जो पहले थी 7 countries की अब करेक्ट सीरीज देखो मेरी स्टार्टिंग की जिससे लोगों ने पसंद किया था कि वहां के हर एक चीज इंफॉर्मेशन और साथ में लोगों से मिलना होगा, वहां पे भी लोग होंगे, वहां के होस्ट होंगे, अपने कंट्री के बारे में बताएंगे कि कहाँ घूमना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, सो इट विल बी लाइक मिक्स करेक्ट एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन और फिर लाइक समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस। सही है सही है ये तो। और एक चीज मिथिलेश भाई आपसे मतलब बहुत कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेना है, गाइड हाँ लेना है। एक्चुअली मेरा मेरा प्लान है कि मैं ऑलमोस्ट विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट विदाउट मनी। जब मैं 11 सितंबर घर से निकला था 4000 लेके निकला था मैं, और मैं डू हिच हाइकिंग एंड वॉलंटियरिंग ऑल दोस थिंग्स काउच सर्फिंग, तो मैं लास्ट मंथ से मैं यही कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान है कि पूरा इंडिया को कवर करके उसके बाद अब्रॉड ट्रैवल करने का। तो अब्रॉड में किस तरह से इस चीज को मैनेज किया जाए, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, कैसे जो चीपेस्ट बिना मतलब लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग तो बहुत सारे कंट्रीज है जैसे हमारा साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए। हेलो हाँ मैं सुनाई सुन दे रहा रहा है हूँ, आपको? हाँ सुनाई दे रहा है, मैं सुन रहा हूँ आपको। ओके ओके। तो साउथ ईस्ट एशिया ये सब कंट्री में जाने के लिए तो वीजा को किस तरह से मतलब प्लानिंग करना चाहिए दूसरा कंट्री में शिफ्ट होने के टाइम, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन थोड़ा आपसे चाहिए क्योंकि मैं बिगिनर हूं, आप लोगों से देख के सीख रहा हूं। लाइक आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अभी ना कैसा हो गया, कोरोना का टाइम चालू हो गया ना तो बहुत सारे लैंड बॉर्डर भी बहुत सारे कंट्रीज के ना ये टाइम पे चेंज हो गए, लाइक लैंड बॉर्डर ओके क्रॉस करना अलाउ नहीं है, तो आपको ये फर्स्ट चीजें देखना पड़ेगा राइट नाउ जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो अपडेट है, तो ये तो आपको साउथ ईस्ट एशिया में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये चारों कंट्री में ना आप बस से कवर कर सकते हो, लाइक वहां पे बस कितने ओके $10 में बस होती है जो लैंड क्रॉस कर देती है, ओके तो वो आप कर सकते हो, फिर मलेशिया ओके सिंगापुर भी कर सकते हो, बट ये चीज है कि फाइनेंशियली मैनेज करने के लिए मैं बोलूंगा आपको थोड़े फाइनेंशियली रखिए, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया ये वो चीजें हो गई, और सेकंड चीज हो गया वॉलेंट्री कर सकते हो आप, कोई हॉस्टल वगैरह में वॉलेंट्री जहाँ पे आप वॉलेंट्री रिसेप्शन वगैरह रहते हैं ना, बहुत सारी चीजें रहती है जहाँ पे आपको वॉलेंट्री ब्रेकफास्ट फ्री होता है, स्टे फ्री होता है, तो आप ये दो एक दो चीजें ये कर सकते हो, और मैं ये बोलूंगा कि आपको जॉब के लिए भी नहीं, क्योंकि ओके ना कैसा होता है हम टूरिस्ट वीजा पे कभी कभी ध्यान नहीं देते कि ना कभी कभी आप वीडियो बनाओगे हाँ कुछ करोगे, वीडियो बनाने प्लान है तो टूरिस्ट वीजा पे आपको जॉब अलाउ नहीं होता है, ये वॉलेंट्री जॉब आप कर सकते हो, हाँ ओके क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये चीज मैं लोगों को बोला कि मैं इसके लिए करेक्ट मोटिवेट नहीं करूंगा किसी को कि मतलब वो टूरिस्ट वीजा पे जाके वहाँ पे जॉब करना, तो ये चीजें हैं, अब वॉलेंट्री जॉब के लिए भी वॉलेंट्री रहता है जहाँ पे आप ना फ्री स्टे कर सकते हो, वो चीजें और भी बहुत सारी वॉलेंट्री चीजें रहती है जो आप वो करके कर सकते हो, या तो फिर आप अच्छा। एक ऑनलाइन और सोर्स एक है क्वेश्चन इनकम है करती है, मेरा। हाँ एक तो एक ऑनलाइन सोर्स रहता है, एक हाँ ब्लॉग कैसे? लिखना हो, ऑनलाइन सोर्स आपके पास तीन चीजें हो गई जो राइट नाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और फिर बाद में इंस्टाग्राम यूट्यूब और फिर हमने अभी एक नाम तो मैं भूल गया इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स लिखना, ये तीन चीजों से कर सकते हो आप, और फेसबुक पर भी और फेसबुक। एक चीज हाँ और एक चीज मिथिलेश भाई आपसे इंफॉर्मेशन एक चाहिए, जो जैसे मान लो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हाउ टू अर्न मनी, मतलब ये थोड़ा सॉल्यूशन मतलब ये थोड़ा नॉलेज आपसे चाहिए। क्योंकि देखो क्राउड फंडिंग जैसे मैंने किया था कि पुष्कर में, राजस्थान पुष्कर में था, तो जब मैं घर से 4000 लेके निकला था तो राजस्थान में जब आया था तो उस टाइम मेरा हाथ में 500 रुपीज बैलेंस था और कुछ नहीं था। तो व्हाट आई डू दैट टाइम कि पुष्कर फेयर चल रहा था उस टाइम मेला, तो उस टाइम मैंने अपना टेंट वहां पे पिच किया और एक बोर्ड लगाया ऑल इंडिया जर्नी फ्रॉम कोलकाता एंड वहां पे स्टार्ट सेलिंग टी।
तो वहां पे लोगों को मतलब फ्री में ट्रीट पिलाया वहां पे, और क्या किया मैंने, लोगों को अपना जर्नी शेयर कर रहा था किस तरह से ऑलमोस्ट विदाउट मनी ट्रैवल कर सकते हो और किस तरह से आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। तो ये तो इंडिया में शॉर्ट टाइम के लिए ये कर सकते हो, लेकिन अब्रॉड में जब जाएंगे तो किस तरह से मैनेज कर सकते हो इस चीज को, मतलब कैसे फंडिंग कर सकते हो, ये चीज आपसे थोड़ा नॉलेज चाहिए। आप फंडिंग के लिए कैसा होता है, अभी आप दो चीजें की फंडिंग हो जाती है। एक चीज तो हो गया कि आपके पास कुछ फैंस है जो आपको बहुत लाइक करते हैं, ये तो ऑनलाइन फंडिंग हो गई। अब रियलिस्टिक फंडिंग जब आप बोल रहे हो कि लाइक कंट्री में रह के वहां पे, तो वहां पे फंडिंग की करना ना थोड़ा सा डिपेंड करेगा, लाइक यू लाइक टू शेयर योर स्टोरीज, तो वहां पे लोग भी इंटरेस्ट होना चाहिए। वहां पे थाईलैंड में सब लोग स्टोरी से सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबको ये चीजें नहीं होती है कि अभी लोग अच्छा भीड़ भाड़ है, सब लोग आए हैं ट्रैवल करने के लिए, कुछ को इंटरेस्ट है कि नहीं, लैंग्वेज बैरियर है, वो ओके सारी चीजें, तो वो चीजें हाँ बट ये चीजें अर्न करना लाइक इट्स लिटिल डिफिकल्ट। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, ट्रैवलिंग आपने देखा रहेगा, आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, आप मैं ये कर सकते लाइक सेफ मनी पे बता सकता हूँ आपको, हिच हाइकिंग कर सकते हो, और फिर बाद में हॉस्टल फ्री हाँ स्टे, हाउस सर्फिंग यूज कर सकते हो, होस्ट के यहाँ रुक सकते हो, बट अर्निंग वेन इट कम्स अर्निंग हाँ कोई भी आपको जॉब लाइक कोई भी कंट्री में आप रहना चाहोगे जो अच्छी कंट्री होगी, तो वो आपको ना जॉब नहीं देंगे, क्योंकि एज पर द रूल्स यू नीड टू हैव ए वर्किंग वीजा, वर्किंग अलाउड नहीं है। तो उनके ऊपर भी अगर कल को पुलिस चेक किया तो दे विल हैव ए वेरी हैवी फाइन और आपको भी प्रॉब्लम, एकदम हाँ तो वो तो जॉब नहीं कर सकते हम। अगर कहीं कहीं वॉलंटरी अलाउ रहता है तो वहां पे रुक सकते हो, और अर्निंग का यही सोर्स है, या तो फिर ऑनलाइन ही सोर्स है आपके पास, बस ऑनलाइन सोर्स आप अर्न कर सकते हो। बस ये मतलब थोड़ा ये सब जानना था, क्योंकि क्योंकि काफी टाइम से थोड़ा दिमाग हाँ काफी टाइम से दिमाग में ये चीज चल रहा था कि किस तरह से मतलब मैनेज मैनेज करो, इंडिया में तो चलो ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब्रॉड में किस तरह से इस चीज को मैनेज करे, क्योंकि अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल उतना भी बड़ा नहीं है, मैं थोड़ा बंगाली कम्युनिटी में ही ब्लॉग कर रहा हूँ। नहीं नहीं अच्छा है, ओके ओके है, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बंगाली कम्युनिटी में ही थोड़ा ब्लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बंगाली लैंग्वेज को थोड़ा वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मेरा जो ये मतलब विजन है कि बंगाल के लोग ट्रैवल तो बहुत शौकीन हैं, लेकिन उनको ये अभी तक थोड़ा हिचहाइकिंग ये सब चीज, स्काउट सर्फिंग क्या है, हिचहाइकिंग क्या है, अभी तक बहुत पीछे हैं, तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। तो मतलब आप लोगों से ही काफी सारे, जैसे वरुण सर से, आपसे, दीपांशु भाई से काफी सारे नॉलेज मिलता है, शुभम से भी मिलता है, तो काफी सारे सीखा आप लोगों से। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा और सपोर्ट करो और मोटिवेट करो कि और जर्नी को आगे ले जा पाए। कि अभी ट्रैवलिंग तमिल ट्रैकर ही इज मेकिंग वीडियोस इन तमिल, तमिल ट्रैकर जी की वीडियो भी देखना, वही सब तो वेरी नाइस ट्रैवलर है, लाइक आपको करेक्ट डिफरेंट एक्सपीरियंस दे रहे। तो जो आपकी फर्स्ट ट्रैवल रहेगी ना, उसमें कैसा होगा, आपको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सेव करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सेव करके फिर आपने ना जो भी आपके एक्सपीरियंस है आप क्या शेयर करना चाहते हो अपने लाइक अपने ऑडियंस के साथ अपने लैंग्वेज में, तो इट्स गुड। कैसा होता है यहाँ पे कॉम्पिटिशन का, हिंदी में सब लोग ब्लॉग बना रहे, सब लोग है, अगर मैं आज भोजपुरी में ब्लॉग बनाऊंगा, पूरा इंडिया है, यहाँ पे मार्केट भी कम होगा, मगर इट्स गुड, लाइक आप अकेले कवर करोगे पूरे अपने बंगाल के मार्केट को, आप अकेले कवर करोगे, तो इट्स ऑल्सो गुड। क्योंकि मैंने ये तमिल ट्रैकर जी से सीखा, उससे उसने भी किया कि लाइक तमिल में ब्लॉग क्रिएट करना चालू किए लाइक, और फिर वहाँ के अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो बहुत लोग फिर उसके बाद में गुजराती में चालू किए, तो आप भी कर सकते हो। बट आपको ना दो तीन चीजें गाइड करनी होगी, लाइक आपको मैं कौन सी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जा रहा हूँ, कितने दिन जा रहा हूँ, थोड़े बहुत पैसे चाहिए, फ्री में आप रुक सकते हो, हाउस सर्फिंग कर सकते हो, वॉलंटरी जॉब कर सकते हो, और फिर सोर्स के आपको मोस्टली सोर्स जो है ऑनलाइन हो जाएगा, तो कैसा वो लीगल वे में भी हो जाएगा। अब अभी कैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पहले कैसा था, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सॉन्ग प्ले कर रहा है, तो वहां पे लोग प्ले करते थे, अभी बहुत सारी कंट्रीज में वो अलाउ नहीं रहता है, पुलिस आएगी, आप कौन सा है, पासपोर्ट क्या चीज है, कैसे, अभी वो भी चीजें हो रही है, तो बहुत वो ऐसा करने के लिए बहुत करते ही है नॉर्मली, बट हाँ, बट मैं उसको बूस्ट करके ऐसा नहीं बोलूंगा, लाइक मैं अभी बेलारूस में, यहाँ पे कैसा फूल वगैरह भी सेल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कुछ भी चीजें नहीं कर सकते, आप कौन से वीजा पे वही चीजें कर सकते हो। लेकिन कभी कभी मतलब लोग इतना डिमोटिवेट करते हैं कि बोली में क्यों बना रहे हो, हिंदी में बनाओ, ज्यादा आपको व्यूज मिलेगा, ज्यादा कुछ मिलेगा, नहीं नहीं आप ट्राई कीजिए ना, उसमें क्या दो तीन चीजें हैं आपकी वीडियोस में सबसे ज्यादा क्या रहना,
आई थिंक आपके नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, है। ये आपके क्या राय है आपके हिसाब से? आपको जो अच्छा लगता है ना आपको श्योरली करना चाहिए, आपको सजेशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोलता, कभी कभी कैसा होता है ना हमारे अपने साथ, जो जो एक आपको ऐसे पर्सन से सजेशन लेना चाहिए जिससे आपना आपके लिए जो अच्छा सोचता है, आपके क्लोज रहेगा जो, मतलब उसको भी थोड़ी नॉलेज होगी वो चीजों की, तो उनसे आप सजेशन ले सकते हो। हाँ तो कि मतलब ना कि आपको ट्राई करना श्योरली चाहिए, क्योंकि आप पछताओ बाद में कि मतलब मैंने ट्राई नहीं किया। ट्राई करके पछताना एक बार ठीक है कि मैंने ट्राई किया नहीं हुआ, और नहीं ट्राई किया तो फिर बाद में सोचते रहेंगे कि अरे मैंने ट्राई किया। तो सही ट्राई कीजिए आप। आप मानोगे नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया सही था जब मेरे को लोग क्या क्या बोलते हाँ थे कि अरे कितने लोग हैं, कितना अच्छे से बात करते हो, हाँ हाँ वो सुना वो कैसे सुना कितने इंग्लिश बोलते हैं, कितने हाँ अच्छे हाँ अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, दे हैव ए वेल पर्सनैलिटी। इट्स नॉट मैटर लाइक आपको करना, मेरे को लगा कि मैं ट्रैवल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ जहाँ पे लैकिंग हो रही है। जब मैं ट्रैवल कर रहा था तभी तो वरुण जी का चैनल था, खाली वरुण जी का ही चैनल था तभी यूट्यूब पे। और फिर हमने उसके बाद में, हाँ तभी ट्रैवलिंग में कोई चैनल चैनल नहीं थे, और फिर हमने उसके बाद में मैंने देखा तब पार्टी को कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, तो और मैंने देखा कि मतलब लोग पार्टी कर रहे हैं, करेक्ट मेरे करेक्ट लिए डिफरेंट था कि लोग बोलते अरे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तुम दारू दिखाओगे क्लब दिखाओगे। मैं बोला कि लोग जाते ही है उसके लिए, लोग अभी मैं घूमने जा हाँ रहा हूँ दूसरे कंट्री तो मैं क्लबिंग करना चाहूंगा, कौन से क्लब जाना चाहूंगा नया हाँ एक्सपीरियंस के लिए, दोनों चीजें देखना चाहूंगा, टूरिस्टिक स्पॉट भी देखना हाँ चाहूंगा, क्लबिंग भी करना चाहूंगा, नाइट लाइफ भी करेक्ट देखूंगा, और दिन में सुबह से शाम तक मैं टेम्पल जाऊंगा, बाकी जो म्यूजियम है वो सब भी घूमूंगा। हाँ तो वो चीजें मेरे लिए भी अलग था कि जब मैं कर करेक्ट रहा था कि मतलब नहीं ऐसा नहीं चलता हमारे यहाँ पे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीज देख के, तो बट मेरे को लगा हाँ कि ट्राई करना चाहिए, नहीं हुआ तो ठीक है। फिर बहुत सारी चीजें थी, आप मानोगे नहीं कि आपके आपका कलर डार्क है, आपको क्या है, आप ना बोलने नहीं हाँ आता, आपको कैमरे के बारे में नॉलेज नहीं है, सब हर एक इंसान ना टाइम के हिसाब से सीखता है, आप टाइम के हिसाब से हर चीजें सीखोगे। पहले आप बोलोगे मेरे को सब चीजें आती है, ऐसा नहीं हो सकता। आप स्लोली यू विल लर्न एडिटिंग करेक्ट ऑल्सो, करेक्ट स्लोली यू विल लर्न हाउ टू मेक थंबनेल ऑल्सो, हाँ देन स्लोली यू विल लर्न ऑल हाउ टू यस प्ले लाइक ये वीडियो चलेगा ये वीडियो नहीं चलेगा, देन यू विल नो ऑल्सो कि मतलब ना ये वीडियो का थंबनेल है, ये वीडियो में कंटेंट ऐसा है, तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि ये वीडियो चलने वाला है ये वीडियो नहीं चलने वाला है, इस पे कितने व्यू तक आ हाँ जाएंगे। हाँ हाँ लेकिन हाँ आपसे ये सब चीज तो, मतलब आप जिस तरह से पहले पहले शुरू में लोग आपको बारे में बोलता रहता था, वो सब सारे स्टोरीज में फॉलो करता था किस तरह से लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन वही लोग अभी देखो फिर से, मैं उस इसके लिए मत ज्यादा मोटिवेट हूँ कि वही लोग आपको फिर से, वही लोग आपको अच्छे बोल रहे हैं, आपको कंटेंट में और ज्यादा रहे हैं। मेरे को इस चीज से, आपसे इस चीज से मेरे को बहुत सारे मोटिवेशन मिला यार। आप मतलब इतना अच्छे से लोगों को प्रेस कर रहे हो और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोग, जो आपको आपका जो हिंदी कम्युनिटी है, तो मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिला कि आप लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। नहीं, श्योरली कर सकते, हर एक इंसान कर सकता है, हर एक इंसान ना डिफरेंट है, यू हैव ए डिफरेंट कैपेबिलिटीज, लाइक एक होता है ना पोटेंशियल, हर एक को अपनाता होना चाहिए, क्यों नहीं सबको ट्राई करना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि मतलब ना ये चीजें गलत है कि लाइक कोई सोचता है ना वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं, उन्होंने क्या चीजें की है, हमको ना हम लोग को ना किसी के मिस्टेक से ही सीखना चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी बोलता हूँ कि किसी ने कुछ मिस्टेक किया ना, करेक्ट क्या मिस्टेक किया तो वो मैं मिस्टेक ना करूँ। हाँ, बस यही है। और थैंक यू इतना सारे क्योंकि गाइड अभी करने के लिए मिथिलेश भाई, और आपने नोट। आप इंडिया हाँ इट्स लाइक वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो, लाइक 4,000 लेके इंडिया ट्रैवल करना, लोगों को नहीं ऐसा समझेगा, लोगों को कैसे घर पे बैठ के ना, हम मेरे को भी कि यार यहाँ फोर ऐसा नहीं है, लाइक 4,000 में हर चीज मैनेज करना और स्टेट वाइज चेंज करके सब जगह ट्रैवल करना। कि आज के टाइम पे कोई ना, अभी इंडिया में भी इतना एक्सपेंसिव हो गया कि लाइक आज के टाइम पे कोई बैंक्वेट इंक्वेट में जाएंगे इंडिया में भी खाएंगे हाँ कहीं पे तो भी 1-1.5 हज़ार रुपये का हाँ चले जाता है 4 दिन में। तो आप 4,000 में ट्रैवल कर रहे हो, तो इट्स पक्का लाइक हाँ रियली पक्का मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग। सो डू योर बेस्ट, और फाइनेंशियली मैं थैंक समझ सकता यू कि फाइनेंशियली अप एंड डाउन होता है, बट आई विल सजेस्ट टू स्टार्ट ऑनलाइन वीडियो और थोड़ा एडिट, थोड़ा सॉन्ग डालना उस सब चीजों में, क्योंकि ऑनलाइन इज लाइक ए नाउ डेज डिजिटल मार्केट, यू विल गेट ए हाई रीच ऑल्सो, ब्रांड्स ऑल्सो, सो उसमें ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम, और जब तक है आप वॉलंटरी करते रहिए थोड़ा बहुत। और नहीं तो ऐसा देखिए, आप जब ट्रैवल कर रहे हो ना तो ओके ऑनलाइन जॉब ओके का भी देख सकते हो, जहाँ पे आप ना लाइक आप ऑनलाइन जॉब भी कर रहे हो कोई कंपनी के साथ में और आप ट्रैवल भी कर रहे हो उसी टाइम पे, तो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, ओके फ्रीलांसिंग। ओके ओके ये तो आपसे, आपका काफी सारे वीडियो से मैं ये सब चीजें सीखा, मतलब देख ठीक है, आपसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला मिथिलेश भाई। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे को इस लाइव से कनेक्ट किया और मेरा जर्नी शेयर दिया। मैं नहीं नहीं मेरे बहुत को भी अच्छा अच्छा लगा मेरे को, लगा, प्लीज ऑल द बेस्ट कनेक्टेड आपकी रहना जर्नी के आगे। लिए, ऑल द बेस्ट।
ऑल द बेस्ट आपके जर्नी के लिए, थैंक और यू, कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करते रहना, आज नहीं तो कल होगा ही होगा, और जो आपको लगता है, आपको लगता है हिंदी में करना चाहिए हिंदी में, थैंक यू, दोनों में ट्राई कीजिए, अगर हो सका जैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों को, और पहले स्टार्टिंग में नहीं है कि वीडियो चल जाएगी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2 महीने तक आपको। अभी मैं बोलता हूँ कि लाइक ये सेशन खत्म होने से पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैं वीडियोस पूरे कंट्री के बना के आ गया था, और मैंने मेरे चैनल का नाम भी नहीं सोचा था कि मेरे चैनल का, मैंने जो लोगों से मिला था लाइक वियतनाम, उनको मैंने बोला था ट्रैवल मोर स्पेंड लेस मेरे चैनल का नाम है, उनको ये बोल के आया था, उन्होंने पूछा चैनल का नाम क्या है, और उनको मैंने बोला कि मेरे चैनल पे मिलियंस व्यू आएंगे वीडियो पे, तो वो बोलते चैनल कितने वीडियोस है, अच्छा मैंने बोला अभी तक क्रिएट नहीं किया करूंगा, तो बोला आसे वियतनाम, तो मैंने बोला मैं आएंगे आएंगे, तो फिर मैंने ऊपर चैनल का नाम, हम वीडियो कहाँ देखेंगे, तो वीडियो कहाँ देखेंगे, मतलब ट्रैवल मोर स्पेंड लेस, वो बंदों का वीडियो भी आ गया अभी तक, वो लोग चैनल भी ढूंढते होंगे ट्रैवल मोर स्पेंड लेस चैनल नाम से, मैं इंडिया में आने के बाद मैं बैठ के वीडियो एडिट करने भी नहीं आता मेरे को वीडियो में, तो मेरे दोस्त को बुला के बोले उसको एडिट कैसे करना है पता, तो मैंने उसको बोला खाली मेरे को इतना पता कट और फिर ज्वाइन कैसे करने का रहता, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई 2 मिनट की, मेरे को बीच बीच में सीन कट करना है, तो उसने मेरे को बताया ये कट होता है फिर रिपल होता है, मेरा यार दर्द हो रहा है, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है, एडोबी तो कुछ ऐसा बहुत हाई लेवल का लग रहा है ये वो चीजें, तो उसने मेरे को बिठा के 2 दिन ट्रेनिंग दे के, फिर वो स्टार्टिंग बेसिक है, सॉन्ग डालने नहीं आता है कुछ नहीं, तब चैनल का नाम सोचे थे हम लोग, उनकी चैनल का नाम भी ऐसा रहेगा, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको चैनल आप स्लोली स्लोली लर्न करोगे, आप ऑल द बेस्ट आपके चैनल के लिए और आपके जर्नी के लिए भाई, तो डीमोटिवेट मत होना कभी भी लाइफ में, हाँ लोगों का काम है बोलने के लिए, अभी मेरे को भी क्या क्या बोलते रहते, काला है ये है वो है आता नहीं बातें, मैं कभी इतना सीरियस लेता नहीं हूँ कि लाइफ इज लाइक आई नो अबाउट माई सेल्फ, हेलो नेटवर्क डिस्टर्ब, नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा अच्छा है, हाँ तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को, ऐसा कर बाय। दो गाइस मुझे पता, सॉरी बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, मेरे को पता है कि लाइक कैसा होता है कि अभी बात करते करते किसी को बीच में इंटरप्ट करना भी अच्छा नहीं है उनकी बारे में, और तुम्हें को समझ सकता कि आप लोग सोचते होंगे कितनी लंबी बातचीत हो रही है, लेजिन ऑफिशियल थैंक यू सो मच, जहां पे भी मेरे मैसेजेस मिस हुए तो देख लो जरा, थैंक यू सो मच अक्साना फॉर योर कमेंट, थैंक यू मंदार, और हैप्पी 80th भाई, कांग्रेस थैंक यू सो मच, इंडियन इन ट्रांजिट थैंक यू, मेमेक थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, पवई से थैंक यू, तो गाइस थैंक यू सो मच, तो ये अपडेट है लाइक वेडिंग सेरेमनी है 17 अप्रैल को, और 15th को है बैचलर्स पार्टी, अगर कोई मीन्स में है और कोई ट्रैवल करना चाहता है तो लाइक ऐसा नहीं कि मैं, आपको पता है कि कितने लोग हैं, तो एक को मैसेज करके बोलना तो इम्पॉसिबल, कोई आना चाहता तो इट्स ऑल वेलकम, मेरे को मैसेज कर दीजिए, सो यू आर ऑल वेलकम टू जॉइन एंड सेलिब्रेट टुगेदर, सो बाय टिल द टाइम, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लाइक विशेस।